राजधानी जयपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या में जिला प्रशासन के लिए कई चुनौतियां खड़ी कर दी है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार राजधानी के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से शहर में की गई तमाम तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर से खास बात की हमारे संवाददाता लोकेश ओला ने। राजधानी जयपुर में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री ने विशेष निर्देश दिए हैं कि जयपुर में युद्ध स्तर पर अब कोरोना को हराने के लिए एक साथ लड़ना होगा। और इन्हीं सब बातों को लेकर जो जयपुर जिला प्रशासन की तैयारियों को लेकर हमारे साथ मौजूद है जयपुर जिला कलेक्टर, वो सब किस तरह की जो अब युद्ध स्तर पर जो तैयारियाँ हैं वो की गई है। प्रथम चीज तो है कि जहाँ भी पॉजिटिव केस आए हैं वहाँ पे कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है और वहाँ पूरी की तरह से जो मूवमेंट है उसको रोका गया है। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई लगातार बनाई प्रशासन के द्वारा सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा रामगंज क्षेत्र के निश्चित हिस्से को पूरी तरीके से सील किया गया है, वहाँ किसी भी तरह के मूवमेंट को अलाउ नहीं किया जा रहा है। सभी घरों में ड्राई राशन किट की वितरण व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है और सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई भी सुनिश्चित की जा रही है। टेस्टिंग लार्ज स्केल पर सुनिश्चित की गई है रामगंज क्षेत्र में और बाहर भी शहर के अलग अलग कच्ची बस्तियों में और अन्य डिस्पेंसरीज में भी टेस्टिंग की जा रही है और उसके आधार पर जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी है वो डिजाइन की है। लॉकडाउन 2 की किस तरह से पालना और किस तरह से जो अन्य जो आगे की तैयारियां हैं वो जिला प्रशासन की ओर से की गई है। ये लॉकडाउन को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है और जहाँ भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं वहाँ कर्फ्यू के ऑर्डर भी जारी किए जा रहे हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट मेजर है मूवमेंट को रोकने का। मूवमेंट को सभी तरीके से रोका जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की भी सभी जगह पालना सुनिश्चित की जा रही है। मेडिकल टीमों को लेकर और जिला प्रशासन में किस तरह का समन्वय है, कितनी हद तक जो जांचें की जा चुकी है, कितने सैंपल लिए जा चुके हैं अब तक? क्योंकि जयपुर जिले में पूरे राज्य में सबसे हाईएस्ट 8000 से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं और स्क्रीनिंग का जहाँ तक क्वेश्चन है जिले में लगभग 1000 स्क्रीनिंग की टीमें अलग अलग जगहों पर काम कर रही है और लगभग सभी घरों की ऑलमोस्ट स्क्रीनिंग की जा चुकी है और कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से रामगंज क्षेत्र में दोबारा स्क्रीनिंग करके आई एल आई के पेशेंट और अन्य जो हाई रिस्क जो व्यक्ति हैं उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है। बात करें क्वारंटाइन सेंटरों की, तो क्वारंटाइन सेंटरों में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, अब तक कितने लोगों को क्वारंटाइन किया जा चुका है और आगे अगर पॉजिटिव केस सामने आते हैं क्वारंटाइन जो संदिग्ध आगे आते हैं तो किस तरह के वहाँ पर तैयार किए गई है? जो भी पॉजिटिव पेशेंट आता है उसके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उन सबको क्वारंटाइन किया जाता है और यहाँ लगभग 60 से अधिक क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किया जा चुके हैं, लगभग 10,000 के अधिक कैपेसिटी के ये है। तो इसके अलावा भी अन्य जगहों का चिन्हीकरण का काम लगातार चल रहा है और अभी तक 1000 से अधिक व्यक्तियों का क्वारंटाइन किया जा चुका है। बात करें डोर टू डोर राशन प्रक्रिया की या फिर आम जनता किसी तरह की जो असुविधा नहीं हो इसको लेकर किस तरह की जो तैयारियां की गई है? कई बार देखने में आता है कर्फ्यू क्षेत्र को तोड़कर भी लोग राशन के लिए और फिर अन्य जरूरी सामान के लिए बाहर तक जाने को मजबूर हो रहे हैं। कर्फ्यू वाले हिस्से में से जो रामगंज वाला हिस्सा है वहाँ पे सभी घरों में निःशुल्क ड्राई राशन के किट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ताकि किसी को भी घर से बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा कर्फ्यू के जो अन्य हिस्से वहाँ पे ई रिक्शा लगा करके प्रत्येक किराने की दुकान और PDS की शॉप के द्वारा घर टू घर राशन का वितरण किया जा रहा है और शहर के अन्य हिस्सों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी होम टू होम डिलीवरी विभिन्न माध्यमों से सुनिश्चित की जा रही है। चार द्वार के बाहर भी अब कई जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं, हालांकि अब मानसरोवर में भी जो पॉजिटिव केस सामने आया है, ऐसे में बाहर किस तरह की सैंपलिंग और स्क्रीनिंग जो व्यवस्था है वो की जाएगी? जैसे मैंने बताया जहाँ भी पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं वहाँ कर्फ्यू लगाया जा रहा है, मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, जो पॉजिटिव व्यक्ति है उसके कॉन्टैक्ट में जो भी व्यक्ति है उन सबको क्वारंटाइन सेंटर्स में भिजवाया जा रहा है ताकि उनको एक आइसोलेट कर सके और स्प्रेड ना हो सके। वहाँ पे भी एसेंशियल सप्लाईज की जो चीज़ें हैं वो भी लगातार मेंटेन की जा रही है और जो प्रिवेंटिव मेजर्स जितने भी लेने हैं सैनिटाइजेशन का पार्ट हो या मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस का, वो सारे सुनिश्चित किए जा रहे हैं। कोरोना के चलते कई बार अन्य गंभीर बीमारियों को लेकर जो इलाज है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, कई ऐसी शिकायतें भी आई है, ऐसे में किस तरह के निर्देश दिए गए हैं जिला प्रशासन की ओर से? कुछ क्षेत्रों से ऐसी शिकायतें जरूर आई थी, हमने PSC CSC और सारे हेल्थ सेंटर इंक्लूडिंग प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स पे ये डायरेक्शन दिए हैं कि किसी भी बीमारी के इलाज के लिए भी मना ना करें और उस प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए जो एम्बुलेंसेस वगैरह का जो मूवमेंट है वो भी स्मूथ किया जा रहा है, उसकी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो धन्यवाद क्लब साहब। तो जिस तरह से क्लब साहब ने बताया कि एक युद्ध स्तर पर जयपुर में कोरोना से लड़ने के लिए जो तमाम जो तैयारियाँ हैं वो पूरी की जा चुकी है और जिस तरह सैंपलिंग व्यवस्था भी तेजी से कर रहे हैं। जयपुर से कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ में लोकेश ओला A1 टीम। बुलेटिन में यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से